बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू देशुस किचन। तो आज देशुस किचन में बीफ कीमा के साथ करेले बनाएंगे बेक करके। तो रेस्टार्ट करती हूँ। रेसिपी में रिपीट नहीं कर रही, ऑलरेडी मेरे करेलों का मैंने सालन इसमें बनाया हुआ है, लेकिन वो मेरी चिकन के साथ एक डिफरेंट वे से। आप इसको बीफ के साथ इस तरह से ट्राई कीजिएगा। नॉर्मल फ्राई करके कीमा डालते हैं लोग, लेकिन आप उसको बेक करें 10 to 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, उसके बाद उसको निकाल के नॉर्मली इस तरीके से आप बनाइएगा। अब मैं इसमें डाली हुई जो नॉर्मल मैंने करेले पीसेस बनाए थे, ये मैंने डाले हैं, इनको भी इसके साथ हल्का सा फ्राई करेंगे। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, 1 टीस्पून मैंने ऐड किया ताकि हमारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, स्पाइसी से बने। अच्छी तरह से हमारे जो करेले फ्राई हो गए, डालेंगे इसमें हम टमाटर डालेंगे इसमें, 2 टमाटर नहीं हमारे ये। प्याज और टमाटर हमने ज़्यादा लिए, करेले हमारे पास कम क्वांटिटी में थे, और बहुत मज़े की भुजिया बनने वाली है। स्पाइसेस मैंने ऐड नहीं किए, सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था मैंने। अभी हमें इसमें हल्दी ऐड की है मैंने, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। रेड चिलीज हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, ग्रीन चिली के साथ बनेंगे। मिर्च को मैंने जो हमने बेक किया था गुठलियाँ से बन जाता है, क्योंकि गर्म था। इसमें ग्रीन चिली भी आपको नज़र आ रही होगी, इसीलिए हम इसमें रेड चिली यूज़ नहीं करेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी थोड़ा सा हमने इसको स्पाइसी बनाना हो तो हम इसमें काली फोक से थोड़ा सा तोड़ लें, मैश कर लें, कि हमें मिंस को इसको बेक करने की वजह ये थी कि हम बनाने वाले पानी के बगैर हमने इसको रखना था। अच्छा सा एक फ्लेवर आता है पानी से, थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। इसको आप ओपन कर लें, फिलिंग करूँगी मैं इसमें। इसके अंदर रख के आप फिलिंग कर लें, ताकि आपका जो इधर गिरे कीमा वेस्ट ना, उनसे आप इसको प्रेस करते जाएं। बेक वाला प्रोसेस सिर्फ मैंने इसको वॉश किए, फॉइल में लगाया है, सॉल्ट डाला है, ग्रीन चिलीज के साथ फिलिंग हो चुकी है। ये वाला जो कीमे हम इसमें ऐड करेंगे सालन में, टमाटर ये देखें हमारे बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अच्छा सा इसको आप मैश कर लें टमाटर को, ताकि हमारी अच्छी सी भुजिया बने। हाफ मैंने कटिंग करके डालें जो नॉर्मल तरीके से हम बनाते हैं, और हाफ को मैं फिलिंग कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में बाज जो हैं फिलिंग वाले खाएंगे, और जिन्होंने फिलिंग वाला नहीं खाना वो ये भुजिया खाएंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो मैंने बेक किया हुआ है, ये देखिए कितना फैट है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल कम डालना है। अगर आपके मिस में नहीं है फैट तो आप ज़्यादा ऑयल ऐड कर लें। कीमा हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है कुक, इसमें हम करेंगे इसको हल्का सा फ्राई। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया, जो हमारी ओपन साइड है हम उसको नीचे रखेंगे। इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे सब साइड से। ये देखिए हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गया है, ना इसका बाहर नहीं आया, थोड़ा बहुत दुबई से बात आ जाते हैं। ये वाले जो हमारे
फिलिंग वाले करेले हैं इनको भी हम इसमें रख देंगे, रखेंगे दम पे इसके साथ ही कुक हो जाए। इसको हम बिल्कुल ही हल्की आंच पे रखेंगे, इसको 10 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के लिए हम इसी तरह लेड लगा के स्टीम देंगे। करेलों का सालन हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, डिश आउट करूँगी मैं इसको प्लेट में। थोड़ा सा मैं फिर ज़ीरा स्प्रिंकल कर दें सिर्फ दैट्स ऑल, क्योंकि पहले ही ये बहुत गर्म होते हैं इसलिए हम इस पर और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। और ये देखिए काफ़ी इसमें ये देखिए ऑयल, ये देखें आ गए क्योंकि कीमे में बहुत ज़्यादा चर्बी थी फैट का। इसमें मैं ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, मिक्स कर देंगे इसको थोड़ा सा और इसको डिश आउट करती हूँ मैं। फ्रेंड ये हमारे करेलों का सालन जो कि हमने टू वे में बनाया। नॉर्मल तरीके से करेलों की भुजिया बनाई हमने कीमे के साथ और ये हमने फिलिंग, और इसमें आपको एक अलग ही टेस्ट आएगा, डिफरेंट टेस्ट आएगा आपको, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।